दोस्तों नमस्कार। आप सभी के लिए मैं एक पोर्टफोलियो बनाने का प्रोसेस दिखाने वाला हूँ कि आप अपने कैसे अपना एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए। आप यूजुअली हम जब इन्वेस्टर होते हैं तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना होता है। तो उस केस में मैंने बहुत सारे ऐप रिसर्च किए हैं अपने पिछले कई सालों में। कुछ ऐप्स जो होते हैं वो आपको पूरे फंडामेंटल्स वगैरह सब दिखता है उसके अंदर, और कुछ ऐसे ऐप्स होते हैं जिसमें कि आप फंडामेंटल के बजाय आप उसके ग्राफ को अच्छे से ट्रैक कर सकें। तो उसमें एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाने का मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसमें आप अपने पूरे चार्ट को, जब से आपने इन्वेस्ट किया है, आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए उसके ग्रोथ को प्रिडिक्ट और देख सकते हैं वहाँ पर। तो उसमें से एक अच्छा ऐप मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। इसका नाम, ये एक्चुअली ऐप नहीं है, ये यूजुअली आप किसी भी गूगल लॉगिन पे जाएंगे और अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो ये आपको इमिडिएटली आपके अकाउंट में दिखेगा। इसका, इस पर्टिकुलर ऐप का अभी सॉरी इस वेबसाइट का नाम जो है गूगल फाइनेंस है। यहाँ पर आप जाके अब अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट कर सकते हो। देखिए बहुत ही आसान तरीका है इसमें पोर्टफोलियो क्रिएट करने का जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देखिए जैसे यहाँ पोर्टफोलियो क्रिएट मैंने कर दिया। अब यहाँ पोर्टफोलियो का नाम मैं लिख दूंगा, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर वेल्दी वेल्थ मल्टीप्लायर, हाँ वेल्थ मल्टीप्लायर। ओके सो ये एक मेरा पोर्टफोलियो का हेडिंग क्रिएट हो गया, इसका नाम है वेल्थ मल्टीप्लायर। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऐड करता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ कि मेरा पहला इन्वेस्टमेंट मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर MRF, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ लिख दिया जी MRF है और इसको मैंने बोला ठीक है, सजेशन नो प्रॉब्लम, ऐड इन्वेस्टमेंट। मैंने फिर से लिख दिया MRF, ठीक है। अब यहाँ पर पूछेगा कितनी क्वांटिटी आपने डाला। जैसे मान लीजिए मैंने बोला मैंने एक क्वांटिटी इसका इन्वेस्ट किया और मेरा इन्वेस्टमेंट डेट है 15 जुलाई। अगर आपने आप मान लीजिए आपने इसमें इन्वेस्टमेंट 15 जुलाई को नहीं किए हैं और आपने इसको 2018 में आपने इसका इन्वेस्टमेंट किया था, 15 जुलाई को ही किया था, तो अब यहाँ प्राइस ऑटोमेटिक देखिए यहाँ पर ले लेता है। सबसे खास बात क्या है कि 15 जुलाई 2018 को क्या था MRF का प्राइस, इमीडिएटली आपको स्क्रीन पे दिख गया। ये बहुत ही अच्छा ऐप है और यहाँ जैसे आप डन करते हो, सेव करते हो, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखिए आपका MRF का यहाँ पर शेयर का दिख जाएगा। और ये चार्ट भी दिखेगा, देखिए आपको यहाँ पर ये जितने दिन का आप चार्ट देखोगे, ये चार्ट यहाँ से दिख जाएगा आपको। ये बहुत ही शानदार ऐप है, सॉरी वेबसाइट है, मतलब आप गूगल फाइनेंस तो वेबसाइट पे भी मिल जाता है, इसके शायद ऐप आते हैं कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन इसी वेबसाइट पे आप इसे ओपन कर सकते हो अगर आपके पास जीमेल का ईमेल आईडी है तो। अब ये देखिए वेल्थ मल्टीप्लायर का ये मेरा पोर्टफोलियो हो गया, ये मेरे टोटल गेन हो गए। यहाँ पर देखिए गेन भी दिख रहा है जब 2018 से मैंने इन्वेस्ट किया तो, और 100% ये बोलता है एलोकेशन मैंने शेयर में ही कर रखा है। अब मैं यहाँ क्या करूँगा गूगल फाइनेंस में, अब ये मुझे और स्टॉक ऐड करने हैं मान लीजिए, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट प्लस साइन पे मैं जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा मैं दूसरा स्टॉक है मेरा मान लीजिए बजाज फाइनेंस, हाँ बजाज फाइनेंस है, और मैंने बोला मैंने भी इसका एक स्टॉक ख़रीदा था और मैंने इसको फिर 2018 में ही ख़रीदा था 15 जुलाई को। और यहाँ देखिए अपने ऑटोमेटिक यहाँ 2468 रुपये आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे आप सेव करोगे तो आपको ये दिखेगा, अच्छा जी बजाज फाइनेंस था, आपने 203% का रिटर्न लिया जी, बहुत बढ़िया। अब यहाँ देखिए MRF जैसे आप डालोगे 32% रिटर्न दिखेगा, बिल्कुल सही है। तो बजाज फाइनेंस ने 200% का रिटर्न दिया और MRF ने 35% का दिया। तो इसी प्रकार आप अपने ये पूरे पोर्टफोलियो को यहाँ पर मैनेज कर सकते हो। और ये पूरे पोर्टफोलियो का आपको देखिए, अब यहाँ पर जैसे आपने ये डाला ना, तो ये चार्ट तो आपको दिख रहा है, देखिए ये चार्ट दिख रहा है यहाँ पर, तो ये चार्ट अभी बजाज फाइनेंस अभी ऐड हुआ है तो इस चार्ट का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब देखिए पहले थोड़ा कम था, अभी थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन जैसे ही आप इसमें मान लीजिए एक और स्टॉक डाल दो जिसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, मान लीजिए मैंने इसमें डाल दिया JBM ऑटो डाल दिया मैंने, और मैंने बोला कि जी मैंने इसका एक नहीं ख़रीदा था, मैंने इसके 100 स्टॉक खरीदे थे और मैंने ख़रीदा था मान लीजिए कि मैंने इसको 2020 में ख़रीदा था 15 जुलाई को 2020, चलिए ठीक है मैं इसका डेट चेंज कर देता हूँ, 2018 ही लिखता हूँ 15 जुलाई। अब ये देखिए 130 रुपये अपने आप पकड़ लिया। अब जैसे आप 100 स्टॉक डालोगे ना कि आपका पूरा का पूरा चार्ट बदल जाएगा। ये देखिए कितना शानदार ये चार्ट हो गया, ये देखिए एकदम ऊपर की तरह जे कर्व में बढ़ता चला जा रहा है। तो ये बहुत ही शानदार ऐप है और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए चाहो तो अपना एनालिसिस में डाल सकते हो। और जैसे आप मैक्सिमम डालोगे ना, तो ये जब से आपने इन्वेस्टमेंट किया है 2018 जुलाई तब से ये चार्ट दिखेगा। लेकिन आप चाहते हो कि मैं इस चार्ट को थोड़े लॉन्गर पीरियड में देखूँ,
थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए देखना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ बजाज फाइनेंस में या जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ से, आप चूंकि आप इसको एडिट तो नहीं कर सकते, आपको वापस से डिलीट करना पड़ेगा, और डिलीट करके ये जो डेट आपने 2018 डाला है यहाँ 2008 डाल दीजिए, तो आपको 2008 से टोटल के चार्ट दिखेंगे। तो ये बहुत ही बढ़िया है। और इसी तरह मैं अब दूसरे ऐप भी आपको हर वीक में एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने का ऐप बताते जाऊँगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए। नमस्कार।